दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइज़न इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे, आपके पास माना कि सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, और उसके अंदर कैमरे का प्रॉब्लम होता है, कैमरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो वो इश्यू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी एकदम आसान तरीके से। उसी के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो ट्रिक है ये 100% वर्क करेगी आपके केस के अंदर। अगर कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, बाकी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड का कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये 99% ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। चाहे वो आपका पुराना मोबाइल हो सैमसंग का, या नया, या एम सीरीज़ का हो, एस सीरीज़ का, कोई भी सीरीज़ का फ़ोन हो, तो डेफिनेटली ये जो ट्रिक है कम्प्लीटली वर्क करेगी। तो उसके बारे में हम आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके, ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, तो दोस्तों ये वाला जो बटन आता है, ये जो ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आप सेक्शन के अंदर, सेटिंग्स के अंदर चले जाते हो, ठीक है। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आना है, स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आना है। और दोस्तों ये जो ऐप्स वाला आ रहा है ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप्स है वो सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको कैमरा वाली ऐप फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जैसे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों जो ये स्टोरेज सेक्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके केस में अगर आपका कैमरा ठीक नहीं चल रहा तो क्लियर डेटा एंड क्लियर कच, ये दोनों ऑप्शन आपको वन बाय क्लिक करना है। तो इससे होगा क्या कि क्लियर डेटा हो जाएगा और क्लियर कैच हो जाएगा, जो भी इस ऐप के रिलेटेड होगा। क्लियर डेटा मतलब डेटा क्लियर नहीं होगा, पर मतलब क्या है कि आपके जो सेटिंग्स होती है, जो छोटी मोटी जो टेम्प्ररी फाइल्स होती है, वो सब रिमूव हो जाती है क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा करके, ठीक है। ये चीज़ करनी है, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अलग ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ये जो भी जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल करके सीधा नीचे आना है। और दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है रीसेटिंग, रीसेट सेटिंग्स, उस पर आपको क्लिक करना है और रीसेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस तरह से क्लिक करोगे तो आपके कैमरे की जो भी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा, ये दो ऑप्शन जो मैंने जो ट्रिक बताई वो ये कंप्लीट करने के बाद आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप दोस्तों इस तरह की ये प्रोसेस फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका जो इश्यू होगा, जो कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, वो कम्प्लीटली इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और बाय केस कुछ कभी कभार केसों में अगर ये नहीं भी हुआ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करना है। पर उसमें एक एडिशनल ऐड ये करना है कि सबसे पहले अपने जो मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको अपडेट करना है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो अपडेट करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के बाद, सेम ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेना, आपका मोबाइल का इशू कम, कैमरे का रिलेटेड का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। 1001% ये ट्रिक काम करेगी। अगर ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करने के बाद भी, जो भी मैंने स्टेप्स बताए वो इम्प्लीमेंट करने के बाद बावजूद भी अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका मतलब ये है भाई कि आपका जो हार्डवेयर है उसके अंदर हो चुका है प्रॉब्लम, आपको वो रिपेयर करवाना पड़ेगा। बाकी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड का था तो इसे कम्प्लीटली इश्यू ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम ज़रूर से आप लोगों की मदद करेंगे। हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइस टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।